नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। यहाँ हमने कल लास्ट लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर किया था, जिसमें अपन ने क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे संख्या जोड़ें घटाएं और बुर्मासे नियम का पालन किया, और कुछ फॉर्मूले संबंध अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज अपन नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड ही है अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या है, हिंदी में इसको संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम में अपन को कोई सीरीज वगैरह दी हुई संख्याओं की, उनका अपन को योग निकालना पड़ेगा, या अपन को उनका वर्गों का योग निकालना पड़ सकता है, घरों का योग, या कुछ भी अपन को निकालने कह सकते हो, तो वो अपन को निकालना पड़ेगा। बस नंबर एक सीरीज में दिए गए। देखते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 अपना 60 का योग ज्ञात करें। ठीक है, अपन को 1, 2, 3, 4 एक सीरीज दी है, ऐसे करके 60 तक। इसका अपन को क्या निकालना है, योग निकालना है। इसको अपन योग कैसे करते हैं, अपन को सबसे पहले चेक करना है इनके बीच में अपन को डिफरेंस कितना दिया, मतलब अंतर कैसा है। एक सीरीज रहेगी उसके बीच में हमेशा डिफरेंस अपना, या गुणा या भाग, कोई भी एक डिफरेंस अपना एक सा रहेगा, वही अपन को फाइनल रहे कितना रहेगा। अपन ने देखा 1, 2, 3, 4 हर नंबर में कितना बढ़ता जा रहा है अपना, एक एक बढ़ रहा है, मतलब अंतर कितना है इनके बीच में, एक का है, या उसी को अपन क्या बोलते हैं, सार्वांतर। ठीक है, डी सार्वांतर डी बोलते हैं। डी कितना है, कैसे निकालते हैं अपन, दूसरी संख्या में पहली संख्या माइनस करेंगे, दो में से एक माइनस किया तो क्या बचेगा अपना, एक, सार्वांतर आ गया अपना डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन को योग निकालना, सार्वांतर डी आ गया, अपन को क्या नंबर्स की संख्या पता करनी, नंबर कितने हैं इसमें, मतलब कितनी संख्याएं होंगी टोटल, एन का मान, टोटल संख्या, कुल संख्याएं एन बराबर कितनी, एन का मान कैसे निकालते हैं अपन, कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट संख्या उसे लेंगे। ठीक है, कितनी है 60, फॉर्मूले रूप में लिख सकते हैं इसको, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, प्लस नहीं माइनस, माइनस प्रथम संख्या अपॉन नीचे सार्वांतर, और प्लस में लास्ट में अपन बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अंतिम संख्या अपनी इसमें क्वेश्चन में क्या थी, 60, माइनस प्रथम संख्या क्या है अपनी, 1, सार्वांतर अपन ने कितना निकाल लिया, 1 प्लस 1, 60 में से 1 जाए कितना बचेगा, 59/1 तो 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा 60, मतलब अपनी संख्या आ गई 4 और अपना सार्वांतर आ गया 1। अपन को योग निकालना, योग का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 × n। ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 × n अपना योग का फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी सीरीज में अपन को अंतर बराबर दिया है, सीरीज में क्या 1, 2, 3, 4 तो अपना अंतर एक का हो रहा है, बराबर अंतर है, तो योग का फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 × n। प्रथम संख्या का मान रखेंगे अपन कितना है, प्रथम 1, अंतिम संख्या क्या है 60 अपॉन 2, n का मान अपन ने कितना निकाला 60। इसको सॉल्व करते 2 × 60 = 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 और 1 61 × 30 का इसमें मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 और 1 0 का 1 0 पर, तो अपन को क्या मिल जाएगा, एक सीरीज दी, एक सीरीज के साथ उसका अपन को डायरेक्ट योग मिलेगा। इसको अपन को एक एक करके जोड़नी जोड़नी, जैसे 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3, 6 ऐसे नहीं जोड़ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करेंगे और निकाल देंगे। एक बार और समझ लेते हैं, सबसे पहले सीरीज देखनी है, उसमें अपन को अंतर पता करना कितने का अंतर आ रहा है, बराबर अंतर आना चाहिए अपना, तभी इस फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंतर आया अपना 1, अपन ने कुल संख्या निकाल दी, कुल संख्या क्या निकाल दी, अंतिम में से प्रथम घटाएंगे बटे सार्वांतर, और जो भी आएगा उसमें अपन प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 60 − 1/1 + 1, तो अपनी संख्या कितनी आ गई 60। ठीक है, योग बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 × n बराबर क्या है, 1 + 60/2 × n का मान अपन ने 60 फाइंड के रख दिया, तो क्या आ गई अपनी 1 + 60 × 30 क्या है 1830 अपना आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 28, 30 करके ऐसे अपन को दिया है, कहां तक, 80 तक। ठीक है, इसका अपन को योग निकालना है, का योग, बिल्कुल जी फॉर्मूला पर पुट करने पे सबसे पहले क्या देखेंगे अपन लोग, अंतर कितना दिया है,
28 30 डॉट 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 करके अंतर कितना दे रहे हैं ये लोग, एक संख्या और मानना तो मान सकते हैं 32, ठीक है 28 30 32 अंतर कितने का चल रहा है अपना, दो का, तो अपना सारा अंतर कितना हो गया दो, ठीक है। एन का मान निकाले क्या होता, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम क्या है 80, प्रथम संख्या है 28, अपन में क्या रखते हैं सार्वांतर 2, प्लस में क्या कर देते हैं अपन 1, प्लस में हमेशा 1 करना है, 80 में से 28 माइनस में कितना बचेगा 2 में से आ जाए 10 में से आ जाएंगे 2, 7 में 2 जाएंगे 5 बटे 2 प्लस 1, भाग देंगे इसमें कितनी बार 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27, अपन को एन का मान मिल गया 27। योग बराबर अपना क्या होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा एन, प्रथम संख्या अपनी क्या है 28, अंतिम संख्या क्या है 80 बटे 2 इंटू एन का मान 27, यहां से क्या होगा 28 और 80 108 बटे 2 इंटू 27 कैंसिल करेंगे कितनी 54 बार 54 इंटू 27 करेंगे, ठीक है 54 इंटू 27, 27 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 108, ठीक है 108 की यार हासिल 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27 का 5 में तो कितना आएगा 135 और 10 45, 1458 अपना आंसर हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है अपना 3 के प्रथम 10 गुणज निकालने हैं अपन को, क्वेश्चन दिया अपन को 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात करो, 3 इन सीरीज दे दी अपन को, 3 के प्रथम 10 गुणज का अपन को योगफल ज्ञात करना है, इसमें सीरीज नहीं बनाएंगे, अब सीरीज अपन को खुद बनाने के लिए हमने कितना बोले 3 के प्रथम 10 गुणज निकालना, 3 के प्रथम 10 गुणज क्या है मतलब 3 का अपन को पहाड़ा पढ़ना है 10 तक, गुणज का मतलब क्या होता है जो 3 के पहाड़े में आए उनको अपन 3 के गुणज कहते हैं, 3 के प्रथम 10 गुणज, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट करके कहां तक जाना 10 तक, 3 का पहला गुणज क्या हो जाएगा 3, दूसरा क्या हो जाएगा 6, ऐसे डॉट डॉट करके कहां तक जाना अपन को 10 तक, 3 ना 30, ठीक है। अब इसका सर्वांतर कितना है, उन्होंने पहले ही बोल दिया 3 के प्रथम 10 गुणज, तो अपन ने 3 की टेबल पढ़ी तो अपन को पता है सर्वांतर कितना होगा 3, या निकाल ही सकते 6 में 3 माइनस होंगे 3, ठीक है। अब एन का मान कैसे निकलेगा, एन का मान का फॉर्मूला है अंतिम माइनस प्रथम बचे सर्वांतर प्लस 1, लेकिन मैं डायरेक्ट पता प्रथम 10 गुणज का मान है, संख्या कितनी हुई 10 तक ही तो अपन ने पढ़ा था, तो सीधा एन का मान पता चल गया अपन को 10, जी अपन को डी दिया जी अपन को एन दिया सर्वांतर, ये सीधा योग निकाल देंगे, योग बराबर क्या होता है प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम में 3 अंतिम में 30 अपॉन 2, एन का मान अपना 10 अपन को दिया है, ठीक है सॉल्व करते हैं इसको, 3 प्लस 30 33 बटे 2 से 5 काट दो इंटू 5, 5 का सम मल्टीप्लाई करेंगे 5 किया 15 की 5 8 हो गई 5 की 15 एक 16, 165 अपना आंसर आ जाएगा 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, जब भी ऐसे बोला हो तो जो 3 दिया है जो पहले संख्या है जिसके गुणज पूछे वो क्या अपना सर्वांतर हो जाएगा, क्योंकि अपन 3 की टेबल पढ़नी और जहां तक अपन को पढ़नी है वो क्या हो जाएगा अपना एन संख्या, या फिर आप फॉर्मूले से अपन निकाल भी सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 120 इंटू 135 इंटू 150 ऐसे दिया है 600 तक का योग, अब सर्वांतर अपन को ज्यादा दे रहे हैं तो उसमें भी अधिक अपना बिल्कुल वही रहेगा, सर्वांतर कितना रहेगा सेकंड में से फर्स्ट हटाएंगे 120 जाए कितना बढ़ेगा 15, अगर अपन को लगता है कि अपना गलत है तो अपन दूसरे में तीसरे में से दूसरा घटा के चेक कर लेते हैं, उतना ही आ रहा है तो अपनी सीरीज सही चल रही है, 135 रहे 15, 150 में से 135 जाएंगे 15 ही बचे, मतलब अपनी सीरीज में कितने का 15 का डिफरेंस चल रहा है। एन कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1, ठीक है 600 में से 120 माइनस हो कितना बचेगा 480 बटे 15 प्लस 1, 15 का इसमें भाग देंगे 15 दूनी 15 3 45,
कितना बचा 3, 15 × 30 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, n का मान आ गया अपने पास 33। योग का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, योग बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या 120 प्लस अंतिम संख्या 600 अपॉन 2 इंटू एन का मान 33। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू पर 720 बटे 2 इंटू 33। कैंसिल करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 और 0 तो 360 इंटू 33। अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में तो 0 ही आएगा, 33 का इसमें करेंगे कितनी आ जाएगा, 30 कितनी गुना होगा, 33 का 6 में करेंगे तो कितना होगा, 198। ठीक है, 198 की 8 हाँ सर 19, 33 दिया 99 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 109 118। ठीक है, 11880 अपना आंसर आ जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अभी अपन ने क्या सीरीज दी थी उनका अपन ने योग निकालना सीख लिया, अब क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं अपन को। अपन को क्वेश्चन कैसे दे रहे, अपन क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, 3 क्रमांक का संख्या अपन को योग देंगे, संख्या पूछेंगे। अभी अपन को क्या संख्या दे रहे थे ये पूछा, अब क्या करेंगे वो योग दे देंगे, संख्या पूछ सकते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 34 है, कोई 3 संख्या दी, 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या है 24 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, उन्होंने 3 क्रमांक सम संख्या होगी 24 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। इसकी देखे पहले ट्रिक देखते हैं अपन कैसे करें, अपन को यहाँ पे देखना है सबसे पहले संख्या वो कितनी बोल रहे हैं, 3 क्रमांक सम संख्याओं की बोला है ना, अपन सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं सम है विषम, उससे अपन को कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या लिखा, 3 क्रमांक सम संख्याओं का, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विषम में कोई नंबर होना चाहिए, जैसे क्या 1, 3, 5, 7, 9 और फिर वो पूछे इतनी संख्या हुई ऐसे जोड़ जोड़ करके, विषम में कोई भी संख्या हो सकती है। उन्होंने बोल दिया 3 संख्याओं का योग इतना है, 5 का योग इतना है, 7 का योग इतना है, 9 का योग इतना है, तो अपन से बीच वाली संख्या पूछे तो अपन क्या करते हैं, या अपन को बीच वाली या छोटी पूछे बड़ी सब कर सकते इससे। ठीक है, बस अपन को देखना क्या है, आगे अपन को विषम नंबर दिया है कि विषम संख्याओं का योग इतना है, विषम संख्याओं का योग इतना है, 3 संख्याओं का योग इतना है, 5 का, 7 का, 9 का, यहाँ 4 कहते हैं, 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, तो अपन इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या देते हैं, उन्होंने कहा 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, अपन को पता चला कि आगे विषम नंबर दिया अपन को, मतलब विषम क्वांटिटी में है नंबर, उनका योग 24 है, बीच वाली संख्या निकालने क्या करेंगे, बीच की संख्या डायरेक्ट निकलेगी, बीच की संख्या जो योग दिया उसे लिखेंगे, और जितनी संख्याओं का योग उन्होंने दिया है उतने का उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, 3 × 24 ये क्या है, अपनी बीच वाली संख्या, आज आ गई अपनी बीच वाली संख्या। अपन को पता है सम संख्याओं में कितने का डिफरेंस मिलता है, 2 का, या विषम के बीच कितने का डिफरेंस मिलता है, 2 का। जी अपनी बीच वाली संख्या है, 3 संख्या है, 1 बीच वाली 8 हो गई, 1 इससे बड़ी होगी और 1 इससे छोटी होगी, क्योंकि क्रमागत है, क्या बोला उन्होंने, क्रमागत है, 1 इससे छोटी होगी, 1 इससे बड़ी, 1 कितनी बड़ी होगी, 2 बड़ी, क्योंकि क्रमागत लेगा 10 और 1 कितनी छोटी होगी, 2, तीनों संख्या पता चल जाएगी। अब वो बीच वाली पूछे तो अपन का आंसर हो जाएगा 8, वो पूछे सबसे बड़ी सम संख्या तो अपना हो जाएगा आंसर 10, वो पूछे सबसे छोटी सम संख्या तो अपने आंसर हो जाएगा 6। इनको देखो जोड़ के भी देख लेते, 8, 6, 14, 10, 24 सेम हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 45 है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। ठीक है, क्या निकालना है अपन को, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो, पांच क्रमांक दिखे से देखो, यहां पर अपन ने नोटिस किया 5 विषम लिया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, योग में 5 से अगर भाग दे तो क्या बीच वाली संख्या अपन को मिल जाएगी, बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 145 अपने भाग कितने का देना 5 का। यहाँ से कोई मतलब क्या पूछा उन्होंने, यहाँ अपन को देखना है, यहाँ 3 का तो अपन ने वही फॉलो किया, यहाँ पर क्या है 5 विषम नंबर है, तो फिर अपन वही ट्रिक फॉलो करेंगे, बीच की संख्या बराबर क्या होगा
145/5 भाग दे 5 2 10 5 9 45 अपन को बीच वाली संख्या मिल गई 29। ठीक है, पूछा क्या है पर उन्होंने बीच की संख्या नहीं पूछी, इस बार इसमें पूछिए सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना। पांच संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, पांच संख्या है, बीच वाली पता लगी अपन को 29। अपन को ये पता है जो बीच वाली के दो एक साइड होगी, दो उस साइड होगी, दो क्या होंगी इससे बड़ी जो उसके राइट में है वो उससे बड़ी होंगी, दो लेफ्ट वाली दो छोटी होंगी, छोटी कितनी होंगी क्रमागत बोला है उन्होंने। क्रमागत का मतलब क्या है, एक इससे दो कम करेंगे कितनी आ जाएगी 27, फिर इससे दो कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी 25। दो क्यों कम करेंगे, क्योंकि उन्होंने विषम संख्या बोला है, विषम और सम के बीच अंतर दो का होता है, तो पर एक संख्या निकालना इस साइड की दो, उस साइड वाली कहने के लिए दो जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो अपन को पांचों संख्या मिली, अपन अपना आंसर दे, सबसे छोटी संख्या पूछी ने सबसे छोटी कौन सी निकली इसमें 25, अपना आंसर हो जाए, वो पूछे सबसे बड़ी तो 33 अपना आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच क्रमागत सम संख्याओं की 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। अब उन्हें कभी पांच विषम नहीं दी, अब सम दे दी उन्होंने, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, पांच क्रमागत सम संख्या 80 है, अब बीच की संख्या क्या निकलेगी 80/5। ठीक है, 16 5 80, बीच की संख्या अपन को 16 मिल गई, अपन को पांच संख्या निकाल 1 2 और बीच में रखना अपन को 16। ठीक है, इसके पहले वाली क्या हो जाएगी 14, ये वाली क्या हो जाएगी 12, ये कितनी हो जाएगी 18, और ये हो जाएगी अपनी 20। अब बता दो कौन सी संख्या पूछी, सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या क्या अपन को 12 मिल गई, सबसे बड़ी 20 मिल गई, बीच की 16 मिल गई, दूसरे नंबर पूछे तो 14, चौथे नंबर की 18। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन को अगर विषम में ना देगी कैसे दे दिया हो, सम में दिया हो तो अपन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अपन को कोई क्वेश्चन दिया हो चार क्रमागत सम संख्याओं का योग, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है 36 है। ठीक है, 36 दिया है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तीसरी संख्या ज्ञात करो। अभी तक अपन को यहां क्या दे रहे थे, वो 3 5 7 करके दे रहे थे, अब इस बार उन्होंने यहां अपन को क्या दे दिया, चार दिया है। हमने बताया जब 3 5 7 दिया तो अपन वो डायरेक्ट बीच वाली संख्या निकाल, जब 4 दिया तो अपन बीच वाली संख्या को डायरेक्ट निकाल नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो अगर 3 संख्या होगी 3 6 9 में अपन को एक साइड बीच वाली हो गई, अगर 5 होती 1 2 3 4 5 तो ये बीच वाली अपन को दो साइड मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए 4 संख्या 2 4 6 8, अब इसमें अपन को बीच वाली में कंफ्यूजन है, कौन सी संख्या बीच वाली होगी, दोनों बीच में आ गई, एक कोई बीच में हो नहीं सकती, इसको बीच मानेंगे तो इसके दो साइड में एक साइड बीच वाली अपन नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करते हैं, ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या 36 है, तीसरी संख्या चाहे सम बोला चाहे वैसे अपन को संख्या में से क्या माननी है, माना मानेंगे संख्या, माना संख्या है, पहली अपन ने x मान देंगे, इसके बाद दो दो जोड़ते जाए, चाहे वो सम बोले चाहे वो विषम बोले, अगर हमने बोला 4 क्रमागत संख्या तो माने पहली सम संख्या क्या है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x+2 x+4 x+6, ऐसे डॉट डॉट करके अपन दो 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 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अगर हमने बोल दिया माना, उन्होंने बोला क्वेश्चन विषम संख्या, तो क्या करेंगे अपन फिर भी पहली संख्या x मानेंगे, फिर उसमें दो दो जोड़ते जाएंगे, अंतर तो हमेशा दो का ही होता है विषम हो या सम। ठीक है, अपन क्वेश्चन को करते, 4 क्रमागत सम संख्याओं 36 है, पहली संख्या हो जाएगी x, इसको देख के माने पहली x, तो दूसरी क्या हो जाएगी अपनी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6। ठीक है, उनने कहा योग तो सबके बीच में प्लस योग हो गया, जी अपन ने संख्या मानी उनका योग जो उन्होंने दिया वो 36 है, दोनों क्या रख देंगे इक्वल, सॉल्व करेंगे क्या हुआ एक्स 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 चार वाले तो 4x 2+4 6 और 6 12,
बराबर 36, 12 सौ जाएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस की, 36 से 12 माइनस कितने हो जाएंगे 24, कैंसिल करते हैं, x बराबर कितना है 6, x की वैल्यू पर कुछ 6 फाइंड हो गई क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे अपन, उनने क्वेश्चन पूछा क्या तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, अपन ने पहली कौन सी है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इसमें अपन अपना मान भर देंगे तीसरी संख्या एक्स प्लस फोर, एक्स का मान 6 प्लस 4 बराबर 10, तीसरी संख्या अपन को मिल जाएगी 10। ठीक है, जो तीन वाले थे उनको भी अपन इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक से करना ज्यादा इजी रहता है, इसीलिए अपन ट्रिक से की उनको भी ऐसे कर रहे, तीन संख्या होती क्या मान लेते, पहली है दूसरी एक्स प्लस टू तीसरी एक्स प्लस फोर, तीनों को जोड़ के बराबर सॉल्व कर लेंगे तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है अपन को 180 है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है, चौथी संख्या ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों इसको समझ लीजिए, 6 क्रमागत विषम संख्या में क्या है 180 तो चौथी संख्या अपन को ज्ञात करनी, 6 क्रमागत विषम संख्या का क्या कहा था हमने, संख्या चाहे विषम पूछी है या सम, अपन को मानना वही है जो हमने बताई है, x x प्लस वाई x प्लस फोर, x की पहली संख्या में से x मान ली, पहली अपन ने x मान ली, ठीक है अगली क्या हो जाएगी क्रमागत मतलब दो का डिफरेंस करके चलना, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस टू, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस फोर, यहाँ देखने लग रहा हो समय पर नहीं, जब अपना पहला विषम आएगा तो उसमें दो जोड़ेंगे दूसरी विषम ही आएगी, जैसे एक अपनी कोई विषम है अब तो इसमें दो जोड़ोगे तो अगली संख्या क्या अपन को विषम ही मिलेगी 3, ठीक है इसीलिए संख्या इसमें मानने से सवाल गलत नहीं होता है। ठीक है एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, नेक्स्ट हो जाएगी एक्स प्लस सिक्स, चार हो गई, पांचवी एक्स प्लस एट, छठवी एक्स प्लस 10, ठीक है 1 2 3 4 5 6 क्या है इनका योग कितना दिया अपन को बराबर 180 दिया, योग मतलब सबके बीच में प्लस लगा देंगे। ठीक है सॉल्व करते हैं, 6 वाला संख्या तो कितना हो जाएगा अपना 6x, संख्या जो है 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 बराबर क्या हो जाएगा 180, 6x बराबर 180 माइनस 30, 6x बराबर क्या हो जाएगा 150, 180 में 30 माइनस तो 150, 6 से इसको काटेंगे क्या बचेगा 6 दूनी 12 6 पंचे 30, 3 बचे 6 पंचे 30, x की वैल्यू मिल गई 25 अपन को। ठीक है अब क्या कहें चौथी संख्या पूछी उन्होंने तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4 मतलब x प्लस 6 25 प्लस 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 31, देखिए विषम संख्या प्राप्त हुई है अपन को, अपना क्वेश्चन मतलब सही हो गया। ठीक है अब चल अपन अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आए उन्हें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इसलिए उनको ध्यान से लगाने की कोशिश करें। धन्यवाद।